Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों की। पटाखों के बाद दिल्ली NCR में बढ़ा प्रदूषण। दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने हवा में घोला जहर, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर लगे प्रतिबंध के बाद भी पूरे देश में आतिशबाजी हुई। लोगों ने दिल खोलकर पटाखे जलाए, कुछ अपनी खुशी के लिए तो कुछ नियमों का मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन सुबह होते ही पटाखों का असर साफ दिखने लगा। दिल्ली NCR का प्रदूषण स्तर खतरनाक के पार चला गया है। लोगों को गले में जलन महसूस हो रही है और आंखों से पानी आ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक रविवार तक हालात में बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। मोदी का केदारनाथ दौरा। PM बोले, मैंने यहाँ तबाही देखी थी लेकिन भरोसा था यह अधिक शान से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यहां गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, फिर मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा 12 फीट लंबी और 35 टन वजनी है। जिनपिंग की तानाशाही पार्टी नेताओं से जुड़े विवादित मुद्दों पर चर्चा करने वालों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। चीन में 27 वर्षीय एक महिला को महापुरुष के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में 7 महीने की सजा सुनाई गई है। जू नाम की इस महिला ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे डोंग चुनरुई का मजाक उड़ाया था। चीन की स्कूली किताबों में चुनरुई को युद्ध नायक का दर्जा प्राप्त है। उनकी शहादत की वजह से 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता मिली थी। दरअसल इस महिला को चीन के शहीदों और नायकों की बदनामी पर सजा देने वाले नए कानून उल्लंघन के मामले में सजा हुई है। जासूसी पर सकती अमेरिका ने पेगासस स्पाईवेयर को ब्लैकलिस्ट किया। भारत में भी इस पर हुआ था बवाल। इसका मतलब यह हुआ कि यह इजरायली कंपनी अब अमेरिका में किसी तरह का कारोबार नहीं कर सकेगी। अमेरिका में इस कंपनी के खिलाफ जांच चल रही थी। पाया गया कि यह इजरायली फर्म जासूसी में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर बेच रही थी। इनके जरिए अफसरों और पत्रकारों की जासूसी की जा रही थी। भारत में भी इस सॉफ्टवेयर को लेकर सियासी तौर पर काफी बवाल हुआ था। दिवाली पर सस्ते ईंधन का तोहफा। केंद्र के बाद 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घटा चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार कई दिन की बढ़ोतरी से त्रस्त जनता को केंद्र सरकार ने बुधवार को अचानक दिवाली गिफ्ट दे दिया। दिवाली से एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। केंद्र की ओर से कीमतों में कमी के बाद नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद केंद्र को बचे हुए वित्त वर्ष में करीब 43,000 करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान होगा। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।